आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया में। अभी हम मौजूद है उत्तर हावड़ा के घास मकान मैदान के पास, जहां पर एक रैली निकली है। तो आइए जानते हैं रैली निकालने की वजह क्या है, क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के उपेक्षा में ये रैली निकाली गई, उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है। आइए रैली जान के क्या इनकी विशेषता है उसके बारे में जानेंगे, साथ साथ जानेंगे और इनसे कुछ बातें भी करेंगे। तो आइए चलते हैं। मौजूद है उत्तर हावड़ा से कैंडिडेट उठे थे बीजेपी प्रत्याशी से उमेश राजी, तो आइए उनसे जानते हैं आज का जो आयोजन है उसके बारे में। सर आज आयोजन किसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको पता है कि भारत का आज 75वां स्वतंत्रता दिवस पालन हो रहा है पूरे देश में, और इस बार भारत सरकार इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस पूरे वर्ष को लगभग 75 सप्ताह का एक अमृत महोत्सव पालन कर रही है। ये देश के सभी लोगों तक देश के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी जानकारी, देश की आज़ादी में किसकी कितनी भूमिका रही है, कैसे देश को आज़ादी मिला था, देश का कैसे कैसे धीरे धीरे करके विकास हुआ और आने वाले समय में देश को विकास के पथ पर कैसे ले जाना है, इन पूरे विषयों को लेकर सरकार इस पूरे 75 सप्ताह तक अमृत महोत्सव मना रही है। उसी की कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के आह्वान पर पूरे देश में आयोजन हो रहे हैं, जिसमें आज विशेष रूप से साइकिल तिरंगा यात्रा निकालना था। आज हावड़ा जिला युवा मोर्चा की ओर से साइकिल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, उत्तर हावड़ा के विभिन्न इलाके में गुजरते हुए देशभक्ति के नारों के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार करते हुए आज अपने युवा समाज के बीच हम लोगों ने इस बात को पहुंचाया है कि ये स्वतंत्रता हमें बहुत आसानी से नहीं मिली है। इस स्वतंत्रता के लिए देश के लाखों लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, करोड़ों लोगों का संघर्ष रहा है, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है। तो इस आज़ादी को बचाए रखने में आपकी भी बड़ी भूमिका है, अपने उस भूमिका का निर्वहन करिए। जहाँ हैं, जैसे हैं, समाज के जिस स्तर पर हैं, इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना, उसी के लिए एक अवेयरनेस साइकिल तिरंगा यात्रा था। सर आप जिस एरिया से विधायकी के लिए प्रत्याशी हुए थे वो एरिया में सर काफ़ी ऐसे जगह जहाँ जल जमा और उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जल जमा उत्तर हावड़ा के लिए कोई नई बात नहीं है, उत्तर हावड़ा का जल जमाव से पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन पिछले अभी 20 दिनों से हम लोगों ने जो देखा है ये अव्यवस्था है। बरसात में बारिश होगी, जल जमेगा और कुछ समय में वो निकल जाएगा, लेकिन इस बार हम लोगों को अप्रत्याशित देखने को मिला है, जिसकी आप कभी कल्पना नहीं किए हैं। उत्तर हावड़ा का अधिकतर इलाका, लगभग 60% इलाका पिछले 20 दिनों से डूबा हुआ है, बिना बरसात के भी बहुत सारे इलाके डूबे हुए हैं। मोइनाथ पाड़ा हो, बावनगाछी का इलाका, सी रोड, बी रोड, आप फकीर बगान देख लीजिए, चाहे आप धर्मुतल्ला रोड देख लीजिए, पूरा का पूरा इलाका 20 दिनों से डूबा हुआ है। वो जो गंदा पानी था वो सड़ कर काला हो चुका है, बीमारी फैल रही है, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। नगर निगम पूर्ण रूप से जल निकासी के व्यवस्था पर विफल है। नगर निगम को इसके लिए एक बड़ा व्यापक अभियान चलाना होगा और एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा, जिससे हावड़ा के लोगों को, विशेषकर उत्तर हावड़ा के लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिले। सर आपने बीमारी की बात के साथ साथ प्रधानमंत्री जो आह्वान दिए गए इस जो आपने फिटनेस के लिए बात की, सर उसमें एक और बात याद है जो मुझे, सर कोविड-19 का समय चल रहा है तो फिलहाल आप लोगों ने मास्क का उपयोग नहीं किया, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये साइकिल चलाते समय सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हम लोगों ने दूरी का भी पालन किया है और अधिकतर लोगों ने मास्क पहना था, बाकी लोग जो दूर दूर पर थे वो लोग मास्क नहीं पहने थे इस कार्यक्रम में। लेकिन हम लोग इस पूरे माने जितने लोग आपको इस रैली में दिखाई दिए, अधिकतर लोग का टीका हो चुका है और सारे लोग सुरक्षित हैं, और हम तो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप जहां रहिए भीड़ से बचिए, जहां भीड़ में जाना हो तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, टीकाकरण भी लोगों का हो रहा है, चल रहा है व्यवस्था। सर टीकाकरण के बाद बोले सर तो काफ़ी लोग टीकाकरण के लिए भी कुछ अप्रत्याशित व्यवहार भी कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से यहाँ राजनीतिक भेदभाव हर विषय पर ही होता है, चाहे वो राशन लेने का विषय हो, चाहे राजनीतिक सुविधा लेने का विषय हो, सरकारी कोई योजना का लाभ लेना हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने अभी जो ऐलान किया है लक्ष्मी भंडार का, वो लक्ष्मी भंडार का फार्म लेने के लिए भी टीएमसी के लोग पैसा मांग रहे हैं। आप जितने वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ जाकर देख लीजिए, तृणमूल के लोगों को पहचान कर वैक्सीनेशन करा रहे हैं और उसके नाम पर बहुत जगह पर वसूली भी हो रही है। तो ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, बंगाल के हर गली की समस्या है, लोग जान रहे हैं और लोग को ये भी पता है कि तृणमूल कांग्रेस से इससे ज़्यादा और कोई आप अच्छी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। सर आप देश की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? भारत के आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर समस्त देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि अपनी नई प्रजन्म को, नई पीढ़ी को
इस स्वतंत्रता के बारे में बताइए, उनको स्वतंत्रता से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने का अभ्यास डलवाइए। ये आज़ादी हमें बहुत आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। इस बलिदान का अगर जानकारी आपको नहीं रहेगा, आपके परिवार के लोगों की, आपके पूर्वजों की जो भूमिका रही है देश को स्वतंत्र कराने में, अगर उसकी जानकारी नहीं रहेगी तो आप इसको बहुत हल्के में लेंगे। लेकिन जब आपको पता लगेगा कि आप गुलामी के किस जड़ से आप निकले हैं, कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति से निकलने के लिए लाखों लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तो स्वाभाविक रूप से आप अपने नए प्रजन्म को आप भारत के इतिहास के बारे में बताइए, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताइए। यही आप लोगों से अपील करूंगा और बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा, यह रैली उत्तर हावड़ा के गुलमोहर मैदान से होते हुए, गुलमोहर कॉलोनी से होते हुए घास बगान मैदान, जो कि आपके उत्तर हावड़ा में स्थित है, वहाँ पर जाके समाप्त हुई। और यहाँ पर मौजूद थे कई बड़े बड़े विधायक, साथ साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी थे विधायक, वो भी मौजूद थे। और उन्होंने कहा है कि कोविड के नियमों का पालन कर और देश के 75वें जयंती की 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी।